तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के रणनीतिकार अब एक नया फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं। तमाम तैयारियों के बीच एक चुनावी एजेंडा जो है उसके मुताबिक बीजेपी आगे बढ़ेगी। योजनाओं के एजेंडे पर चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी उतर रहे हैं, मतदाताओं से वोट की अपील भी की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से अब प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं बीजेपी की और मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या मोदी की गारंटी जो है वो सबसे आगे रखी गई, उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से हम नेताओं से बात करते हैं, प्रत्याशियों से बात करते हैं और जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के वोटों से और उनके बयानबाजी में जो प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी को ही एक सबसे बड़ा आधार मान रहे हैं और इस बात के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ होंगे, हैरान कर देने वाले होंगे। और जैसा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक लक्ष्य भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिया है कि अब की बात 400 के पास, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो मोदी की गारंटी है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ इलाके ऐसे जहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका निभाते हैं और इसके साथ साथ जो राष्ट्र के अन्य मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े फैसले हैं वो भी एक एजेंडे में शामिल है। तो एक नहीं बल्कि कई ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल किए गए हैं और इन्हीं के आधार पर जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में जो पार्टी के नेता मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं वो इस बात की अपील कर रहे हैं वोट की कि वो एक नहीं बल्कि इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का उपयोग करें। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, इसी के तहत जो मोदी की गारंटी है उसे सबसे पहले रखकर आगे जनता से संपर्क बनाया जा रहा है, जनता को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया और आने वाले 5 सालों में मोदी की गारंटी पर क्या कुछ विकास जो है वो उत्तराखंड का होगा, इसी को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो जनता से लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनता से मतदाताओं से वोट की अपील भी इसी के तहत की जा रही है। बने रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।